सब्सक्राइब कीजिए जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो मैंने फरमाइश में बनाई है अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन करा था कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हम अपनी एयर राइफल को मेंटेन कर सकते हैं कई सालों साल तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है कि हम किस तरीके से अपनी एयर राइफल को मेंटेन कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये है VX100 स्पार्टन और ये प्रेसी होल ब्रांड की है और इसको मैं मेंटेन करना आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मैं आपका मनु भारद्वाज जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं और मेंटेनेंस देखते हैं। दोस्तों, अगर हम इस एयर राइफल के बारे में बात करें तो इस एयर राइफल मॉडल है VX100 स्पार्टन जो प्रेसी होल ने बनाया था और सबसे ज्यादा सेलिंग में आती है इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा सेलिंग में इसलिए आती है क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती एयर राइफल में है ये और लेस देन 7000 में आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आप ये एयर राइफल देख रहे हैं, यहां पर जो है फ्रंट मजल है, ये इसकी बैरल है, ये इसकी रियर साइट है और ये देखिएगा यहां पर आप स्कोप माउंट कर सकते हैं, ये इसकी बट है, ये इसका चीक रेस्ट है और दोस्तों इसका जो बट है वो अनब्रेकेबल फाइबर का बना होता है जो रस्ट फ्री है और साथ के साथ वाटरप्रूफ है। तो और यहां देख सकते हैं, यहां पर ट्रिगर है, यहां पर ट्रिगर लॉक है और ट्रिगर लॉक का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एक्सीडेंटली आपकी एयर राइफल नहीं चलेगी क्योंकि यहां पर लॉक लगा रहता है। जब आपको चलानी हो लॉक खोलिए और इसको हम तब चला सकते हैं। ये सब कुछ मिलके इसे एक बेहतरीन एयर राइफल बनाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या क्या आती है जो लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करा था। सबसे पहले एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि भाई मेरी जो ये बैरल है वो रस्ट लग गया है उस पर। तो मैं दोस्त आपको बता दूं कि किस तरीके से आप अपनी बैरल को रस्ट फ्री बना सकते हैं। अगर आप इसको संभाल के रख रहे हैं तो सबसे पहले एक बार ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा इसे कवर के अंदर रखें और अगर आपके पास कवर नहीं है, आप सिंपल तरीके से इसे रख रहे हैं तो इसकी बैरल पर आप ऑयल लगा दें। ऑयल कुछ भी हो सकता है, सरसों का तेल भी आप यूज कर सकते हैं, उससे क्या होता है इस पर रस्ट होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि जो इसका बट है वो कलर थोड़ा उसका फेड हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, कलर अगर फेड हो रहा है तो आप इस पर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और साथ के साथ अगर आप इसे साफ रखना चाहते हैं तो आपको कॉलिन यूज करना पड़ेगा क्योंकि कॉलिन जो होता है वो इसको बिल्कुल सुरक्षित करता है, इसकी शाइनिंग को बरकरार रखता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। एक सबसे खास बात यह है कि आप यहां पर जरूर चेक करते रहिए ओरिंग, ओरिंग की कंडीशन जरूर चेक करिए। अगर ओरिंग खराब हो चुकी है तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर ओरिंग खरीद सकते हैं और ओरिंग को चेंज कर सकते हैं। अंदर के बारे में बात करें कि जो अंदर अगर आपको सफाई करनी है तो आपको सिंथेटिक ऑयल लेकर आना पड़ेगा जिससे कि आप इसके अंदर सफाई कर सकें क्योंकि सिंथेटिक ऑयल इसको बिल्कुल क्लीन करके रखता है, कार्बन फ्री करके रखता है, डस्ट फ्री रखेगा और डस्ट फ्री अगर एयर राइफल होगी तो उसकी लाइफ जरूर बढ़ जाएगी। ये देखिएगा, मैंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा तेल लिया है, ये कॉटन है और ये कॉटन का क्लॉथ है। आप सिंपल तरीके से इसे डिप करिएगा कॉटन को ऑयल के अंदर और जो आपकी एयर राइफल है उसकी बैरल पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से आप इस पर लेयर चढ़ाइए पूरी तरीके से, बैरल ऑयल में गीली हो जानी चाहिए और इसको थोड़ा सा रब करिएगा। ऐसा ही आप इस साइड भी करिएगा इस तरीके से। दोस्तों, ऑयल क्या करता है, ऑयल इसके जो रस्ट होने वाली जो रिएक्शंस हैं उसको डिक्रीज कर देता है और आपकी जो एयर राइफल है वो सालों साल तक बिल्कुल न्यू रहेगी। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि जो आपकी एयर राइफल है सालों साल तक बिल्कुल न्यू जैसी रहेगी। ये देखिएगा, मैंने यहां पर ऑयल लगा दिया है। अब इस ऑयल को हमको साफ कर देना है। ये देखिएगा, बिल्कुल एयर राइफल न्यू निकल के आ रही है।
और शाइनिंग भी आ चुकी है देखिए। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा केमिकल भी हमने यूज नहीं करा साफ करने के लिए सिवाय ऑयल के। ये देखिएगा बिल्कुल रस यहां से गायब हो चुका है, ये देखिए। इसकी ओरिंग मैंने यहाँ पे बोला था चेक करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ओरिंग भी हम चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन की है, सही कंडीशन की ओरिंग, इसलिए जरूरत नहीं है हमको चेंज करने की। वाओ व्हाट अ ब्यूटी दोस्तों, सबसे ज्यादा सेलिंग में है हमारी ये एयर राइफल VX100, चाहे इसका ओल्डर मॉडल हो VX100 या VX100 Mark II, आप कोई भी एयर राइफल खरीद सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर। बहुत अच्छा बैलेंस है, बट भी अच्छा है, जैसे मैंने बताया था फाइबर का बट है, अनब्रेकेबल बट में आता है ये, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है चीक रेस्ट वगैरह का। और ख़ास बात यह है इसके अंदर आपको ट्रिगर लॉक मिलता है, जो एक्सीडेंटली आपकी ये राइफल चल ही नहीं सकती इस ट्रिगर लॉक की वजह से। अगर आपको इसकी बॉडी साफ करनी है जो फाइबर की है, तो आपको सिंपल कॉलिन लेना पड़ेगा, और इस क्लॉथ को गीला करने के बाद आप इसकी बॉडी को साफ कर सकते हैं इस तरीके से। भाई साहब ये तरीका करोगे तो जो आपकी एयर राइफल है बिल्कुल न्यू रहेगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो एयर राइफल है 3 साल पुरानी है, और आप देख सकते हैं अभी भी इसकी जो लुक है वो बिल्कुल न्यू जैसी है। ये देखिएगा कितनी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और उन कमेंट का जवाब देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे आने वाली वीडियो का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो भाइयों मैं दोबारा हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।